स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका बत्रा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम माउंट लिटरेसी स्कूल रोहतक. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक मेजरमेंट प्रीवियस वीक बिफोर एग्जाम्स. आई थिंक यू हैव क्लियर द बेसिक्स. लेट मी स्टार्ट विद द स्टार्टअप. यूनिट्स ऑफ लेंथ. लेंथ क्या होती है? जिसको हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है. उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर. मीटर इज द बिगर यूनिट और सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट और किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट. और इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? कोई भी डिस्टेंस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस होता है, वो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. एक चीज़ हमने करी थी, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोमीटर इज KM. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. और हम लोगों को इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था वो हमने किया था, लाइक 3 किलोमीटर इट्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर एंड 1000 मीटर इट्स 3000. एग्जैक्ट प्रोसेस हमने क्या यूज़ किया था, दैट इज़ एक्सप्रेस 5 किलोमीटर्स इन मीटर. 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर्स होते हैं? 1000. तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी हैव द नंबर इन मीटर्स, ठीक है. 5 × 1000 इट्स 5000. 11 × 1000 इट्स 11000. ऐसे ही हमारे पास होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है. ये जो प्रोसेस है ये आपको किस लिए याद रखना है? कि आप किसी भी बिगेस्ट यूनिट को उस किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100. मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1000. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 1000, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस टॉपिक चेकपॉइंट 2 एंड स्केल विल 2. किसी ने अगर नहीं किया तो यूट्यूब पे इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज थिंक बियॉन्ड 2. कंपेयर द गिवन डिस्टेंस यूजिंग एरो साइन. एरो का मतलब होता है कि आपने कंपेयर करना है कि ये वाली चीज़ बड़ी है या ये वाली चीज़ बड़ी है. यहाँ पे है 42 मीटर और यहाँ पे है 4000 सेंटीमीटर. तो मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में देखो. सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, बोथ यूनिट्स आर डिफरेंट. तो हम इसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर राइट डाउन कर सकते हैं. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100. देखो, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 42 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है 4200 सेंटीमीटर और यहाँ पर आ जाता है 4000 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन टेल विच इज ग्रेटर. अब कौन सा वाला बिग है, 42 या 4000? तो दिस वन, यानी कि 4200 एंड दैट इज 4000. तो विच इज ग्रेटर, 4200. लाइक दैट यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. लाइक आपके पास है 60 सेंटीमीटर ब्लैंक एंड 600 मिलीमीटर, ठीक है. ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, बाय मल्टीप्लाइंग 10, दैट इज 6000 मिलीमीटर. ब्लैंक नेक्स्ट इज 60 × 10 इट्स 600 मिलीमीटर. तो बोथ आर इक्वल, तो हम कौन सा साइन लगा देंगे? इक्वल का. इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में एंड मीटर को सेंटीमीटर में. दैट इज़ वेरी मच सिंपल दैट यू कैन डू. आफ्टर दैट देयर इज़ द टॉपिक एडिशन ऑफ लेंथ. एडिशन ऑफ लेंथ का मतलब क्या है? कि आपके पास जो भी लेंथ गिवन है उसको आपने सिंपल प्लस करना है. 35 + 29, यू शुड राइट दिस इन द कॉलम्स. 35 मीटर, 29 मीटर एंड प्लस 9 + 5 = 14. 1 कैरी, 3 + 2 = 5 and 1 = 6. इट्स 64 मीटर. सिंपल, ठीक है. सॉल्यूशन ऊपर राइट डाउन करेंगे स्टेटमेंट एंड देन उसका सॉल्यूशन लाइक दैट, ठीक है. बात आ जाती है अगर आपके पास अलग अलग यूनिट है. लाइक आपके पास है 12 मीटर प्लस 450 सेंटीमीटर, ठीक है. आपके पास है 12 मीटर एंड 450 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज मीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर. व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. आपने मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो 12 मीटर में क्या हो जाएंगे? 12 × 100, यानी कि 1200 सेंटीमीटर, ठीक है. ये आपने कब करना है? व्हेन यू आर हैविंग द डिफरेंट यूनिट्स. जब आपके पास क्या होगा? डिफरेंट यूनिट होंगे. 12 × 100 इट्स 1200 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन ऐड इट, 1200 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर. प्लस कर दो 0, 5, 4 + 2 = 6, 1, 1650 सेंटीमीटर. लेट्स सी द वर्कशीट. दिस इज
तो ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, आपने क्या करना है इनको प्लस करना है, 153 मीटर प्लस 234 मीटर. व्हाट यू हैव टू डू इज राइट डाउन द हेडिंग चेक पॉइंट 3. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ए पार्ट 153 मीटर प्लस 234 मीटर. नाउ राइट द स्टेटमेंट 153 मीटर. व्हाट यू हैव टू डू, वन कॉलम वन नंबर, 234 मीटर प्लस 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, इट्स 387 मीटर. ओके, दैट यू कैन डू इजिली, सिंपल है. फर्स्ट क्वेश्चन में मीटर है, सेंटीमीटर है, देन किलोमीटर है, दैट इज मीटर. यहाँ तक आपने करना है, यानी कि डी पार्ट तक आज, ठीक है. उसके बाद फिर हम करेंगे ई पार्ट. ई पार्ट में क्या है, 8 मीटर 424 सेंटीमीटर. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस, मीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. बोथ यूनिट्स आर नॉट सेम, दोनों यूनिट सेम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 8 मीटर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 100, इट्स 800 सेंटीमीटर. 800 सेंटीमीटर राइट डाउन करेंगे अब हम, और नीचे राइट डाउन करेंगे 424 सेंटीमीटर. नाउ एड इट, 8 + 4 = 12, इट्स 1224 सेंटीमीटर. दैट विल योर आंसर, ठीक है. बिल्कुल इजीली, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको चलना है. चीज क्या है बेटा, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, वन इज द सेम यूनिट, अदर इज द डिफरेंट यूनिट, मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं. हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे है मिलीमीटर और सेंटीमीटर. अब आप मुझे बताइए, सेंटीमीटर बिग है और मिलीमीटर स्मॉल है, तो मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ या मीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में. मेरे पास फॉर्मूला है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो मैं किसको कन्वर्ट कर दूंगी, सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में. यानी कि आपके पास है 363 मिलीमीटर्स, दैट इज एफ पार्ट 363 मिलीमीटर्स एंड 18 सेंटीमीटर. तो दैट इज मिलीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर में राइट डाउन करूंगी, दैट इज 18 सेंटीमीटर. तो 18 मल्टीप्लाई 10 इज 180 मिलीमीटर. अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस 363 मिलीमीटर और 180 मिलीमीटर, ऐड देम, 3, 8 + 6, 14 एंड देन 1 कैरी, 3 + 1, 4 एंड 1, 5, 543 मिलीमीटर. एडिशन इज सो सिंपल. बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिलीमीटर है और सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है किलोमीटर एंड मीटर. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000. तो हम 5 किलोमीटर 623 मीटर्स हैं हमारे पास. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 × 1000, द आंसर इज 5000 मीटर. व्हाट यू हैव टू डू इज 5000 326 मीटर एंड मीटर प्लस कर देंगे, 326 एंड 5, तो आंसर इज 5623 मीटर. लाइक दैट, तो स्टार्ट योर वर्क, डू चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 1 टिल, जितने भी आप कर पाएं एक दिन में आप उतने कर सकते हैं. इजी है, मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है. आई थिंक आप वन क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही सकते हैं एक दिन में, तो आप ये कर दीजिएगा, ठीक है. देन हम नेक्स्ट डे करेंगे सब्ट्रैक्शन, ओके. तो अभी के लिए ये करेंगे, रेस्ट वी विल डू लेटर. सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही प्रोसेस रहेगा, जस्ट आपको माइनस करना है, और अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं तो उसको हमने कन्वर्ट करना है. लाइक यहाँ मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हम मीटर को कन्वर्ट कर देंगे. यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे. जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट विद द सेम प्रोसेस लाइक वी आर डूइंग इन एडिशन. कन्वर्ट क्या करना है, पहले कन्वर्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट या ऐड, प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ बीच में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है. तो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे, अभी आज ये करेंगे, नेक्स्ट डे ये वाला करेंगे. सो डू इट, बाय बाय, हैव फन, स्टे सेफ.